सोचता हूँ कि YouTube पर वीडियो अपलोड करूँ या नहीं, सोचता हूँ कि बोलूँ या नहीं, सोचता हूँ कि जाऊँ या नहीं, सोचता हूँ कि इस काम को करूँ या नहीं, सोचता हूँ खाऊँ या नहीं, सोचता हूँ किसानी करूँ या नहीं, सोचता हूँ उससे एक बार बात करूँ या नहीं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं सोचता हूं किसी काम को करूं या नहीं। तो जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप बोलेंगे वंडर, उसके बाद आप लिखेंगे वेदर प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप कहेंगे और नॉट। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लें। सोचता हूँ खाऊं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू ईट और नॉट, यानी सोचता हूँ खाऊं या नहीं। सोचता हूँ न्यू वीडियो अपलोड करूं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू अपलोड न्यू वीडियोस आर नॉट, यानी सोचता हूँ नया वीडियो अपलोड करूं या नहीं। सोचता हूँ कि बिजनेस करूं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू डू बिजनेस आर नॉट, सोचता हूँ कि खाना पकाऊं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू कुक फूड आर नॉट, यानी सोचता हूँ कि खाना पकाऊं या नहीं। सोचता हूँ कि पढ़ूं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू रीड आर नॉट, सोचता हूँ कि किसानी करूं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वंडर वेदर टू डू फार्मिंग आर नॉट, सोचता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करूं या नहीं। आई वंडर वेदर टू लाइक दिस वीडियो आर नॉट, सोचता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करूँ या नहीं। आई वंडर वेदर टू सब्सक्राइब दिस चैनल आर नॉट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह स्ट्रक्चर आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि सब्जेक्ट वंडर वेदर प्लस इन्फिनिटिव का क्या इस्तेमाल है और आप इसे कब बोलेंगे। यहाँ मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।